चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने विफाकी हुकूमत को मरासला लिख दिया, पंजाब में मजीद खिदमात जारी नहीं रख सकता, चीफ सेक्रेटरी ने लिख दिया है। चीफ सेक्रेटरी ने जाती वजूहात पर काम जारी ना रखने से आगाह कर दिया। चीफ सेक्रेटरी की विफाकी सेक्रेटरी से खिदमात वापस लेने की इस्तदा कर दी गई है। आपको बता रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने विफाकी हुकूमत को मरासला लिख दिया है, पंजाब में मजीद खिदमात जारी नहीं रख सकता। उन्होंने उस मरासले में ये लिख दिया है, चीफ सेक्रेटरी ने जाती वजूहात पर काम जारी ना रखने से आगाह कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की विफाकी सेक्रेटरी से खिदमात वापस लेने की इस्तदा की गई है। आपको बता रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने विफाकी हुकूमत को मरासला लिख दिया है, पंजाब में मजीद खिदमात वो जारी नहीं रख सकते, ऐसा उन्होंने मरासले में कहा है। कैसर खोखर से तफसीलात जान लेते हैं। जी कैसर खोखर, आगा की जिस मामले के बारे में। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने विफाकी हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के सेक्रेटरी को एक मरासला लिखा है, एक खत लिखा है कि उन्हें पंजाब से वापस बुला ली जाए, वो पंजाब में मजीद खिदमात अंजाम नहीं दे सकते। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि वो जाती वजूहत की बुनियाद पर चाहते हैं कि उनका पंजाब से ट्रांसफर कर दिया जाए और उनको वापस से इस्लामाबाद विफाकी हुकूमत में बुला लिया जाए, और इस हवाले से उन्होंने खत जो है वो फेडरल सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को लिखा है, और ये मरासला उन्होंने अपने दस्तखत से विफाकी सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को भेज दिया है और उसे दरख्वास्त किया है कि उन्हें फौरी तौर पर पंजाब से वापस बुला लिया जाए। जी कैसर खोखर, ये बताइएगा कि आईजी पंजाब ने तो दिल मोम कर लिए बिलाखिर, लेकिन क्या चीफ सेक्रेटरी पंजाब के साथ मामलात अभी भी तय नहीं हो पाए? जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है, क्योंकि आईजी पंजाब जो है वो रॉ सरदार अली के साथ पीटीए हुकूमत को इकलामा से वो ट्रांसफर करा के चले गए हैं, और अब उनकी जगह फैसल शकार जो है उनका पीटीए के साथ कोई इशू नहीं है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल के साथ पीटीए हुकूमत के इशूज चल रहे थे कि उन्होंने हमजा को शमाज की जो हुकूमत बनाने में उनका साथ दिया था और पंजाब असेंबली में पुलिस दाखिल कराई थी, इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है उसके खिलाफ थी, पीटीए हुकूमत और वजीर अला पंजाब भी उसके खिलाफ थे। ज्यादा चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने फिर खुद ही दरख्वास्त कर दिया कि उन्हें पंजाब से वापस बुला लिया जाए। जी कैसे क्योंकि ये बताइएगा, अगर चीफ सेक्रेटरी पंजाब तब्दील हो जाते हैं तो फिर किसका नाम मतवक्के है? जी अभी उन्होंने लिखा है, अभी चीफ सेक्रेटरी पंजाब के लिए मुख्तलिफ नाम जो है वो देखे कौन कौन से जेरे गौर आते हैं, लेकिन अभी इस हवाले से कोई फाइनल फैसला नहीं हो सका और ना ही कोई नाम सामने आए हैं, लेकिन चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है वो जा रहे हैं, उन्होंने अपना तबादले का लिख दिया है। जी बहुत शुक्रिया कैसर खोखर, हमें आगाह कर रहे थे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने विफाकी हुकूमत को मरासला जारी कर दिया है कि वो खिदमात जारी नहीं रख सकते।